छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीद करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजनांदगांव जिले में धान खरीदी के लिए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और किसानों की धान खरीद में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं 1 दिसंबर को होने वाली धान खरीदी के लिए 27 नवंबर से टोकन वितरण करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कोविड-19 के कारण इस वर्ष जूट मिलों से बोरा निर्माण नहीं होने की बात कही है, साथ ही आश्वस्त किया है कि इससे धान खरीदी में कोई व्यवधान नहीं हो इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। जिले में बारदानों की कमी के कारण धान खरीदी प्रभावित नहीं होने का दावा किया है। बहरहाल कोविड-19 को लेकर धान खरीदी केंद्रों में सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे लोग एक दूसरे से निकट खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कोरोना को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। डोंगरगढ़ से संवाददाता अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। चालू कर रहे हैं सरकार, है ना, इसके बारे में क्या कहना आपका, कैसा कहना? यही है सर कि यहाँ पे धान खरीदी टोकन के बारे में जानकारी पहले से लिए हम लोगों, पेपर में पढ़ा हम लोगों ने कि 27 तारीख की टोकन वितरण किया जाएगा। गांव में पता लगाया, बोले आज ग्राम सभा होगी, बोले उसमें इसका निर्णय लिया जाएगा। शाम तक पता लगाया कि बोले ग्राम सभा कैंसिल, कोई मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन अचानक दूसरे दिन जब समाचार पता लगा, क्योंकि अचानक मतलब टोकन के लिए मतलब कार्ड जमा करवा रहे हैं, दिक्कत यही टोकन सिस्टम से दिक्कत यही हो रही है। तो वहाँ पर पहले मुनादी का गाँव वहाँ के हिसाब से मुनादी कराना था, एक गाँव दो गाँव का टारगेट बनाना चाहिए था वहाँ। मतलब ये अभी अचानक मतलब चालू कर दिया, हाँ, उसके पहले मतलब पहले से जो है सभी ग्रामीणों को दिक्कत आ रही है, सभी किसानों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। भावी धान खरीदी के संबंध में हमारे जो समिति प्रबंधक है, जो वहाँ के प्रभारी है, वो उसी के जो है निर्देश पर, जो शासन के निर्देश पर मीटिंग में प्रस्थान किए हुए हैं। और जिस प्रकार से पेपर के माध्यम से जिस प्रकार से कृषकों को जानकारी हुई कि टोकन काटा जा रहा है धान बेचने के लिए करके, तो सभी कृषक बंधु जो हैं, जो इस क्षेत्र के हैं, वे धान खरीदी उपार्जन केंद्र में पहुँचे थे और स्वयं ही अपने व्यवस्था, अपने विवेक, अपने बुद्धियों के माध्यम से वे पर्चा जमा किए थे। और जैसे कि भीड़ लगा हुआ है, तो उसी भीड़ को जो है नियंत्रित करने के लिए तथा आगामी धान खरीदी के लिए सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए जो है हमारे जो समिति प्रबंधक महोदय हैं, वे समय में पहुँचे और कृषकों को समझाइश देकर, दिशा निर्देश देकर एक पंजी यहाँ संधारण किया गया है। उसी पंजी में कृषकों को जो है बारी बारी से क्रम से लाइन से क्रमबद्ध खड़े कराकर सभी का जो है पर्चा लिया जा रहा है और पर्चा एंट्री किया जा रहा है नाम वार के साथ साथ ही मोटा पतला सरना जो भी धान है उसमें संबंधित एकड़ के माध्यम से उसको एंट्री किया जा रहा है। और जिस प्रकार से धान खरीदी केंद्र में कंप्यूटर में जिस प्रकार से व्यवस्था रहती है, तो उसके बाद जो कंप्यूटर के माध्यम से खरीदी की जाएगी, अभी उनका एक प्राथमिक रूप से जो कहा जाए वो जो है एंट्री किया जा रहा है अभी। और साथ ही साथ किसान जो है क्रमबद्ध रूप से बाहर में बैठ खड़े हुए हैं और सभी किसानों का पर्चा जो है 25-25 के बंडल में यहाँ रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है, उस हिसाब से काम को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है, जो हमारे से हो सकेगा 100% जो है हम देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में किसानों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी सहयोग बनाने का कृपा करें, क्योंकि संक्रमण काल है तो उसका भी ध्यान रखें, दूरी बनाकर रखें, साथ ही साथ जो है मास्क लगा कर रखें और विशेष रूप से शांति बनाकर रखें, भगदड़ ना हो, यही हम समिति कर्मचारियों को हमारे संस्था की ओर से उनसे निवेदन है। चूँकि प्रत्येक वर्ष से वो जो है ये काम करते आ रहे हैं और आप भी जो है धान बेचते आ रहे हैं वे भी, तो उनसे सभी से निवेदन है कि व्यवस्था बनाकर रखें, समन्वय बनाकर रखें, भाईचारा बनाकर रखें और हम अपना जो कहें सेवा जो है पूर्ण रूप से देने का प्रयास करेंगे। और उनसे भी निवेदन है और वे भी कुछ अगर निवेदन करते हैं उनका भी अनुसरण करते हैं। गाइडलाइन आए हैं ऊपर से, और गाइडलाइन सर उसी के लिए हमारे जो समिति प्रबंधक हैं मीटिंग के लिए गए हुए हैं, वहाँ से जैसे ही उनका यहाँ आगमन होता है उसके पश्चात ही जो है प्रशासन का गाइडलाइन तथा दिशा निर्देश का जो है अनुसरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी धान खरीदी केंद्र में आपको यदि कभी व्यवस्था जो कमी महसूस हो रही है, तो उसी संबंध में वे गए हैं, जैसे भी आएंगे उसके पश्चात जो भी कमी है उनका जो है पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। ठीक है, आपको परिचय? जी, मेरा नाम है सर शिवचंद विश्वकर्मा, सेवा सरकारी समिति पनिया जोग, वर्तमान में मैं विक्रेता के पद पर कार्यरत हूँ। और जिस प्रकार से धान खरीदी होती है तो सभी कर्मचारियों को एकजुट कर काम करना पड़ता है, तो उसी सेवा में मैं यहाँ संलग्न हूँ। ठीक, धन्यवाद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.